दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जो लोग भोजन के बाद गटगट गटगट पानी पीते हैं उनको 103 रोग कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला रोग पेट में जलन होना, जिसको आप कहते हैं एसिडिटी। जो लोग भी खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं 101% नहीं 201% 1000% उनको एसिडिटी होती ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल बाद 5 साल होने ही वाली है। एसिडिटी तो होना ही है, पेट में जलन तो होने ही वाली है, और ये पेट की जलन आगे बढ़ते बढ़ते छाती तक आती है, फिर छाती में जलन, और आगे बढ़े तो गले में जलन, फिर पूरे शरीर में जलन, किसी को यहाँ पांव में जलन, किसी को यहाँ गुर्दे में जलन, पूरा शरीर में आग ही आग, आग ही आग। और ये अगर आग फैल गई तो पित्त बिगड़ता है, और पित्त बिगड़े तो शरीर भी बिगड़ता है, और शरीर बिगड़े तो जिंदगी बिगड़ती है। इसलिए ध्यान इस बात को देना है कि स्वयं पाक घर में दूध और चावल को पकाते समय आग का जलना बहुत जरूरी है, ऐसे ही हमारे शरीर में खाना खाने के बाद आग का जलना बहुत जरूरी है ताकि भोजन ठीक से पके। इसके लिए पानी का और आग का मेल नहीं है, तो मतलब सीधा सा ये है कि खाना खाने के बाद पानी मत पियो। भागवत ऋषि इस सूत्र को संस्कृत में कहते हैं भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के जैसा है। विष माने जहर। जो लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, भागवत कहते हैं कि वो जान लें कि जहर पी रहे हैं, और ये जहर उनको जिंदगी में इतना त्रास देने वाला है, इतनी तकलीफ देने वाला है, जिसकी वो खुद कल्पना उस समय नहीं कर पाते जिस समय वो पानी पीते। मैंने वो सूची पढ़ी भागवत ऋषि की लिखी हुई, तो उसमें एसिडिटी माने पेट की जलन पहले नंबर पर है, और आखिरी नंबर पर उसमें जो बीमारी है वो है कैंसर। माने पेट की जलन से जो शुरू हुआ तो वो कैंसर तक जा सकता है, माने पेट का कैंसर भी आपको हो सकता है अगर खाने खाने के बाद पानी पीना आपका है तो। और बीच में तो सब बीमारियां बसी भरी हुई है। तो यहां से आज से बात शुरू होती है कि आप अपनी जिंदगी में एक छोटी सी चूक कर रहे हैं, वो बंद कर दो आज से। भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, भोजन के बाद कभी भी पानी मत पीजिए। भोजन के बाद पानी अगर पिएंगे तो तैयार रहिए, 103 रोग आएंगे। उनमें से कई रोग हैं जो आपके गुर्दों के त्रास से संबंधित होंगे, पेट से संबंधित होंगे, रक्त से संबंधित होंगे, वीर्य से संबंधित हो सकते हैं, मस्तिष्क से संबंधित हो सकते हैं, कई तरह की बीमारियां जो पित्त के बिगड़ने से हो जाती है। मतलब यह है कि खाने के बाद अग्नि को जलने दीजिए, पानी गिराकर शांत मत करिए। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं तो जल्दी से आपको ये बात समझ में आए। आपने पशुओं को देखा, पशुओं को, जानवरों को, गाय को, मछली को, गधे को, घोड़े को, बैल को, इन सबको आपने देखा है, अच्छे से देखा है। आप जरा देखिए कि कौन सा पशु है जो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीता है, नाम बताइए किसी एक का। कभी गाय को देखा खाना खाते ही पानी पी लेती, मछी को देखा, मछी को, मछी सबसे मूर्ख मानी जाती है, सबसे मूर्ख, उसको भी इतनी अकल है कि वो भोजन के बाद पानी नहीं पीती। मैंने देखा है मछी सुबह सुबह खाना खाती है 6 बजे 7 बजे भरपेट खाना खाती है, और पानी 11 बजे 12 बजे ही पीती है। मैंने खाना खाने के 4 तास बाद पानी पीती है मछी, उसको भी इतनी अकल है, मनुष्य को नहीं है, मनुष्य मछी से भी गया बेटा। कुत्ते को देखिए, मछी को देखिए, गाय को देखिए,
बैल को देखिए, गधे को देखिए, घोड़े को देखिए, हत्ती को देखिए, किसी भी जानवर को देखिए, भोजन करने के साथ कोई भी जानवर पानी नहीं पीता। कम से कम 4 तास, अधिक से अधिक 5 तास के बाद ही सब जानवर पानी पीते हैं। इसलिए किसी भी जानवर को गुर्दे का त्रास नहीं होता, किसी भी मछली को डायबिटीज नहीं होती, किसी भी बैल को मनके का त्रास नहीं होता। सुना है, बैल 1 दिन में 3 टन भोजन वजन लेके जाता है, 3000 किलो, और कम से कम 60 किलोमीटर चलता है। किसी भी बैल को आज तक नहीं सुना कि मनके का त्रास हो गया। और ये मनुष्य 10 किलो का एक पोता उठाए तो मनके का त्रास हो जाए, डायबिटीज हो जाए, अर्थराइटिस हो जाए, अस्थमा हो जाए, 148 रोगों की लिस्ट है जो कभी भी हो जाए। तो मुझे भागवत ऋषि के ये सूत्र को आपके ध्यान में लाना है। मुझे भागवत ऋषि कहते हैं, भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में पानी पीना तो जहर पीने के जैसा है, विष पीने के जैसा है। मतलब मेरा आपको एक छोटी सी सूचना है कि भोजन के बाद पानी मत पियो। तो क्या होगा, आप जो कुछ भी खाएंगे, अग्नि प्रदीप्त होगी, अग्नि से उसका पाचन हो जाएगा, पाचन के बाद उसमें से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र ठीक से बन जाएगा, वो शरीर के काम आ जाएगा। इसलिए भोजन के बाद पानी मत पियो। तो आप पूछेंगे कब तक नहीं पिए, पशु तो 4 घंटे नहीं पीते, 4 तास। आप अभी मैं आपको एक सरल माहिती दे देता हूं, फिर आप तय कर सकते हैं कि कितने घंटे बाद पिए। हम जो कुछ भी खाते हैं, मैंने आपसे कहा कि पहले वो पेस्ट में बदलता है। पेस्ट आप समझते हैं, कोई वस्तु ना तो द्रव है ना तो ठोस है, बीच की अवस्था है, ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है, बीच की अवस्था पेस्ट। तो जो कुछ भी खाया वो पेस्ट में बदलता है। इसको लगभग 1 तास लगता है। और पेस्ट के बाद अगला जो चरण है वो है रस बनने का। पहले पेस्ट बनेगा भोजन, फिर बाद में रस में बदलता है, और रस बदलने का जो समय है वो 1 तास से शुरू होता है और 2 तास तक चलता है। आप जानते हैं कोई भी चीज रस बने तो उसमें पानी का होना आवश्यक है, नहीं तो रस नहीं होगा। तो जब भोजन रस बनना शुरू करता है उस समय पानी पीना सबसे अच्छा होता है। तो कम से कम 1 तास बाद, जास्ती से जास्ती 2 तास बाद पानी पीना। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।